90% लोग ऐसे है कि वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। गाइज प्लीज गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड जब हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाइए तब मैं आपके लिए एक बड़ा सा आर्ट कॉन्टेस्ट लाऊंगा, आर्ट कॉम्पिटिशन, जिसमें आपको काफी प्राइजेस मिलेगी। तो गाइज सब्सक्राइब जल्द 1K करवा दो, तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड इस वीडियो को एंड तक देखना। तो सो हाय गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं आपका दोस्त करण, एंड आज की इस वीडियो में अगेन हम ड्रॉ करने वाले सुशांत सिंह राजपूत सर का वही वाला रेफरेंस फोटोग्राफ जो कि मैंने पिछली वीडियो में ड्रॉ कर था, एंड उसमें आपका काफी ज्यादा रिस्पांस आया। बट मैंने पहले उसी वीडियो में कहा था कि मैं और एक ड्रॉइंग लाऊंगा जिसमें मैं सुशांत सिंह राजपूत का यही वाला रेफरेंस फोटोग्राफ एक्रिलिक से पेंट करूंगा, तो एक्रिलिक कलर से मैं कंप्लीट ये वाला रेफरेंस फोटोग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो बने रहे वीडियो में एंड तक, कैसा बनता है सारा कुछ मैं क्लियर बताऊंगा एंड किस तरीके से काम करना पड़ता है एक्रिलिक से, सारा कुछ इस वीडियो में है, तो बने रहे वीडियो में एंड तक। तो गाइज आपको एक बार मैं टूल्स दिखा देता हूँ कि कौन कौन से टूल्स मैं यूज करने वाला हूँ। तो टूल्स, मेन टूल्स तो यही है कलर्स, जो कि है आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर्स कैमल कंपनी के। इस पे मैंने कंप्लीट रिव्यू भी दिया था और मैंने एक पेंटिंग भी ड्रॉ की थी जो कि मेरी फर्स्ट एक्रेलिक पेंटिंग थी। तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो वीडियो आप जरूर देखना, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप देखें। एंड ब्रशेस में आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो ये ब्रशेस मैं यूज करूंगा जो कि एक फ्लैट ब्रश मोटे साइज का है एंड ये छोटे साइज का, इसका 0 पॉइंट है एंड इसका पॉइंट मुझे पता नहीं, इसका पॉइंट चला गया गाइस। एंड ये डिटेलिंग्स के लिए कुछ ब्रशेस है, तो ये कुछ सामान था जो कि मैं यूज करने वाला हूँ, बस दूसरा कोई टूल्स में यूज करने वाला नहीं। तो बने रहे वीडियो में एंड तक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आई एम एक्सट्रीमली सॉरी क्योंकि जब मैं ड्रॉइंग करने बैठा और वीडियो स्टार्ट करा, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, तो एक्सट्रीमली सॉरी गाइज। बट इसके आगे का वीडियो आप जरूर देखिए, पूरा कंप्लीट वॉच कीजिए एंड लाइक करना, तो देखिए वीडियो। तो गाइज कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना, एंड स्केच एंड पेंटिंग में क्या डिफरेंस रहा वो भी आप कमेंट्स में जरूर बताना, एंड चैनल पे नए हो गाइज सब्सक्राइब कर देना। एंड इस पेंटिंग को ड्रॉ करने में मुझे काफी मजा आया, जैसे कि आपको पता ही है मुझे एक्रिलिक पे काम करना काफी पसंद आ रहा है क्योंकि मैंने फर्स्ट पेंटिंग ही उतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स और इतना अच्छा रिजल्ट मेरे से आया और मैं शौक था कि ये मैंने ही ड्रॉ की। तो यही था कुछ पेंटिंग में, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।